2 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक यादव परिवार के एक युवक की हत्या होती है। उसके बाद दूसरे समय पर दुबे परिवार के 5 लोगों की हत्या होती है, यानी कि टोटल 6 लोगों की हत्या होती है। और बीते 8 दिन बाद ये कहानी आकर कहां खड़ी है ये आप तक नहीं जान पाए हैं, लेकिन हम इस वीडियो में साफ कर देंगे कि असली हत्या इन 6 लोगों की किसने की है। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा, हाजिर हूं एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। पिछले आपने जब हिंदी की आपने फिल्मों को देखा होगा, पिक्चरों में अक्सर देखा होगा, या आपने अपनी असल जिंदगी में भी देखा होगा कि अगर आपके साथ या आपके परिवार में या आपके पड़ोस में कोई घटना घटती है, जब आप पुलिस में शिकायत करने जाते हैं तो पुलिसिया कार्यवाही क्या होती है, इसमें किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो बात अलग है कि बड़े बड़े मंच देकर, बड़े बड़े नेताओं को बुलाकर, बड़े बड़े भाषणबाजी करने के बाद में आपके दिल और दिमाग में उन शब्द रूपी जहर को उगला जाता है कि जिससे के बाद में आपकी मानसिकता बदल जाती है। आपको लगता है कि ये नेता जो कह रहे हैं वो 16 आने सच है, लेकिन ऐसा कतई नहीं। कहानी समझिए, पहले प्रेम यादव की हत्या। यादव की हत्या होने के बाद में सत्यप्रकाश दुबे के घर के 5 लोगों की हत्या। कुल मिला के कहानी को अगर समझें तो क्राइम ग्राफ, ये क्राइम ग्राफ बढ़ा कैसे और अब तक एक युवक को, मिश्रा युवक को गिरफ्तार किया गया, यहां तक तो कहानी सबको समझ में आई। इसके बाद की जरा समझ लीजिए, इसके बाद में सरकार की तरफ से फंडा वही अपनाया जाने लगा कि जिसने घटना की है, जो आरोपी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब यूपी में एक नया फंडा चलने लगा है कि अगर कोई अपराधी है तो उसका घर गिराओ, उसकी जमीन बर्बाद करो। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इस केस में बड़ी अजीबोगरीब बात है। क्या है आप सोच रहे होंगे, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि इस वीडियो में हम साफ कर देंगे कि असली हत्या की किसने है। आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, तो इन चीजों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और निष्कर्ष भी निकालेंगे। तो दरअसल यादव परिवार की तरफ से यादव परिवार में जो हत्या हुई, ठीक बात हो गई। इसके बाद में 5 लोगों की, सत्यप्रकाश दुबे की हत्या हुई, ठीक हो गई। इसके बाद में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। अब ये कहां से जमीन पर, पायदान पर कानून में लिखा है कि जिस परिवार के एक युवक की हत्या हुई हो, यूपी की राजनीति में वो यादव हो, तो उसका घर गिराया जाए। ये बात भी सही है कि उसका जमीन का विवाद चल रहा था, पहले से चल रहा था, सत्यप्रकाश दुबे के घर से चल रहा था। लेकिन अब जरा कहानी को समझिए, तो क्या सरकार पहले से इंतजार कर रही थी कि क्या दुबे परिवार के 5 लोगों की हत्या हो जाए, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे? अगर कार्रवाई करनी ही थी, क्योंकि सत्यप्रकाश दुबे का परिवार पिछले कई सालों से अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन अब हत्या हो गई, जमीन खड़ी, अच्छा मकान बना हुआ दिखाई दिया दुबे यादव परिवार का, तो अब गिराने की कवायद शुरू हो गई। वहां के विधायक है सलम मणि त्रिपाठी, उन्होंने मंच सजाया। वहां पर मंच में गिटार, हारमोनियम, तबला, अन्य साधन उपाय, उसके बाद में वहां पर श्रद्धांजलि दी गई। बाकायदे ये फोटो भी आप देख लीजिए, इस फोटो में कुछ तस्वीरें दिख भी रही हैं। एक ये दूसरी फोटो देखिए, इसमें फोटो सेशन चल रहा है बढ़िया। आपको परिवार का, सत्यप्रकाश दुबे के परिवार का लड़के के साथ फोटो खींची जा रही है, दिखाया जा रहा है कि हम परिवार के साथ खड़े हैं। उधर पब्लिक बैठी है हजारों की तादाद में, अच्छी बात है, लेकिन एक ये सवाल खड़ा होता है कि हत्याएं दोनों तरफ से हुई, हत्याएं किसी एक तरफ से नहीं हुई है। अगर पहले यादव परिवार की एक लुक्की हुई है, उसके बाद दुबे परिवार की हुई है, आरोपी कोई एक नहीं है, आरोपी दोनों हैं। अब कहानी के सूत्र ये निकलने चाहिए थे कि पहले यादव की हत्या किसने, अगर हत्या हुई है तो उसका मुख्य वजह क्या थी। वजह भी सबके सामने है कि जमीनी विवाद था, आपस में तो घटना हो गई। तो सवाल ये खड़ा होता है कि घर गिराने की प्रथा, वो अब हत्या होने के बाद में, जब लोग संसार में, दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, उसके बाद में इंतजार करती है, या यूं कहें कि जो मिश्रा व्यक्ति पकड़ा गया है कि या उसका भी घर गिराया जाएगा? ये बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। तीसरी बात यह कि जब ये सियासी घमासान मचा है, अब उसमें सब कूद पड़े हैं,
कुछ चैनल कूद पड़े हैं, एक से एक चीज आपको दिखा रहे हैं कि उनकी बेटी ने क्या कहा, गांव वालों ने क्या कहा, चाचा ने क्या कहा, भतीजे ने क्या कहा, एक एक पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। लेकिन जो मूल पॉइंट है वो ये निकल के आ रहा है कि सरकार घटना के बाद ही क्यों जागती है, और अब नेताओं का आना जाना सिलसिला भी कई नेताओं का शुरू है। वो अगर यादव है तो यादव के पक्ष में खड़ा है, वो अगर ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण के पक्ष में खड़ा है, मैक्सिमम ये देखा जा रहा है अधिकतर। लेकिन क्या ये आपने देखा कि 2024 के पहले का ये देवरिया कांड 2024 के चुनाव में दखल डाल सकता है, जातिवाद की दखल डाल सकता है? हालांकि ये बात सही है कि जो यादव है वो समर्थन लगभग करते हैं अखिलेश यादव का, और जो ब्राह्मण या ठाकुर कह सकते हैं वो समर्थन करते हैं योगी जी का। लेकिन इन सारे बीच की चीजों में ये किस पायदान पर खड़ा है परिवार दोनों कि हत्याओं का इंतजार किया गया और उसके बाद कार्रवाई की गई, ये सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश के लिए सवाल नहीं है बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी सवाल है, एक जहनीयत के लिए सवाल है, एक जुनून के लिए सवाल है कि आखिरकार ये देश की राजनीति आकर कहां खड़ी हो गई है कि जब नेताओं को मौका मिलता है तो हत्याएं एक तरफ और उनके भाषणबाजी एक तरफ। जरा ये भाषण पार्टी के गुंडे मेरे पर आरोप लगाते हैं, कहते हैं विधायक ने हत्या कराई, कहते हैं देवेश दुबे हत्यारा है, कहते हैं देवेश दुबे को गिरफ्तार करो, विधायक की जांच करो। अरे मैं चुनौती देता हूँ, तुम्हारी हैसियत है तो विधायक की 1000 जांच कराओ, चुनौती देता हूँ तुमको। इस प्रदेश की जनता ने तुम्हारा गुंडा राज देखा है, इस प्रदेश की महान जनता ने तुम्हारा गुंडा राज देखा है, तुम्हें सदा सदा के लिए सत्ता से बाहर कर दिया है। भगवान हनुमान जी भी साक्षी है, यहाँ की महान जनता भी साक्षी है, पिछले 10 साल तक, पहले 10 साल तक तुम्हारी सरकार नहीं आने वाली और तुम्हारी धमकियों तुम्हें नहीं है। इस भाषण के बाद में जिस जुनून के साथ सलमणि त्रिपाठी ने बोला है ये बात बिल्कुल सोलह यानी सच है, लेकिन इसका जवाब शिवपाल यादव ने दे दिया है। उन्होंने बोला है कि साहब ये जो माननीय विधायक हैं ये नहीं जानते कि हमारी सरकार विपक्ष में है, यानी कि सरकार में सलमणि त्रिपाठी खुद हैं और जांच कराएं ये सारी चीजें सामने आएंगी। इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो के बारे में क्या जानकारी मिल पाई है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और हमारे फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर छोटी सी बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। और एक ये संदेश देना चाहेंगे कि अब आप उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के किसी भी कोने में हो या जो हमारे वीडियो विदेश में भी लोग देख रहे हैं, उच्च मानसिकता पर अपना पैराग्राफ बढ़ाकर उस पायदान पे खड़े हों कि जहां पर अब हमारी सोच शायद धरती से चांद पर जाती है। नमस्कार।